क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है, इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी, तभी उससे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उससे खाती ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा ये बात है, पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है, और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। राजू ये जादू नहीं, ये की तरह आता है। अरे मुझे चोटी से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे तो मौत का सामना करना पड़ेगा। काले कलूटे कौओ, क्या तुम हम में से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना। कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या, कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौओं के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यह जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ! तुम क्या चाहते हो हमसे? नील कौआ आपकी खिदमत में हाजिर है काऊ काऊ राजा। Huh?
गए। अरे ये तो लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस बुरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम। पर शुक्रिया। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? मुझे माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। लगता है तुम्हारी चप्पल पानी में गिर गई है। रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते राजदूत जी, क्या खबर है? राजमहल में से सोने के सिक्कों की थैलियाँ लूट ली गई है और उसकी जगह ताश के पत्तों से भरी थाली छोड़ दी गई है। ठीक है राजदूत जी, हम भीम के लौटते ही राजमहल आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी चप्पल के साथ ये ढोलकपुर के खजाने के सिक्के भी मिले हैं। अरे यही तो है महल से चोरी हुए सिक्के। महल में चोरी? इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। क्यों बच्चों, हमारी कमाई पर फेरने आए थे ना पानी, याद आ गई ना नानी? हमारी गुफा से बचना इतना आसान नहीं है। इक्का दुक्का तिक्का और चौका, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। ये लड़का तो निकला बड़ा ढीठ, बाद में ना भागना दिखा कर पीठ। जी भैया, सही कहा भैया। पत्ते तो खा ली जा रहे हैं। अरे भीम, ये तो महल के सिक्के हैं। जी हाँ महाराज। वाह, आज तो तुमने हमें खुशी से चौंका ही दिया भीम। हाँ महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, जिन्होंने चुराए थे वो भी चौंक गए। टिरिंग टिरिंग घंटी बजी, फर 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 कौवा, टिरिंग टिरिंग घंटी गिरिंग, फर 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 कौवा। चार घंटे से
इंतजार कर रहा हूँ। इतने समय में तो मैं खुद जादू टोना सीख लेता। कब मिलेगी मुझे भीम को हराने की ताकत? ये टिरिंग बिरिंग से कुछ होता भी है क्या? टिरिंग बिरिंग घंटी बजें, घर पर घर पर कौवा उड़ें, टिरिंग बिरिंग घंटी गिरें, फर 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 तोता उड़ें, दे दो मुझे शैतानी काली किताब। ये छुटकू सी चीज क्या है? बदतमीज आदमी, ये वही जादुई किताब है जिसमें लिखे हुए मायावी मंत्रों से तुम भीम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। अब जाओ, नहीं तो ये गंदगी भी तुमसे ही साफ करवाऊंगी। आ गया, आज सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। आइडिया अच्छा है राजू, मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। मकर सिंह, चले जाओ ढोलकपुर से, वरना वरना क्या भीम है, वरना क्या? आज तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। भीम, भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? कितनी देर आंखें बंद रखनी पड़ेंगी? आज का दिन हम यहाँ बिताने वाले हैं। अपनी आंखें खोलो दोस्तों। वाह, अम्यूजमेंट पार्क, क्या मजेदार आइडिया है भीम। मुझे तो अब से उन राइड्स की ऊंचाइयों से डर लग रहा है। क्योंकि ऊंचाइयों पर शेर पहुंचते हैं, चूहे नहीं। दूर से जितना भयानक दिख रहा है उतना होगा नहीं, चलो मजे करें। तो भी यहाँ है, अब क्या करें सरदार? जो हम करने में माहिर हैं, डकैती और चोरी, और इस बार हम भीम को चकमा देकर ही रहेंगे। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। Oh, my God.
इतनी ऊंची राइड। वो राइड ऑन करना भूल गए। सुरक्षा मंगल गार्ड ही मंगल सिंह है। वो तो हमारा सब कुछ लेके भाग गया भीम। अब हम क्या करेंगे? मंगल सिंह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये देखो पैर के निशान। ये निशान तो ताजा हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब होगी असली पिक्चर शुरू। इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? मुझे लगता है कि ये पहले से ही काफी सजा भुगत चुका है। तो चलो आइसक्रीम और जलेबी की जुगलबंदी चखने। अब लाओ मेरे सारे लड्डू।
कुछ तो गड़बड़ है। महाराज मेरे सारे गहने चोरी हो गए। हमारे गहने और आपके सारा सामान चोरी हो गया। सब एक एक करके बताओ हुआ क्या है। महाराज कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है, हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत आप सब शांत हो जाइए, हमारे सिपाही इसी की छानबीन कर रहे हैं, वो चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। महाराज हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। कालिया सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं? चोरी का सामान, भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? दोस्तों मैं चोर नहीं हूँ। भीम पीछे मत देखो, जाओ भागो यहाँ से, चोर कहीं के। मैं चोर नहीं हूँ। एक क्या कहते हैं उसे, वो है एक ना समझ। इतनी स्वादिष्ट जलेबियां है ये, वाह आह वाह वाह तुम वाह मजा आ गया। कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। अरे मजा कैसे है महाराज? चलिए राजा पहलवान अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर और ये जलेबियाँ खाकर मन खुश हो गया। ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। अरे मेरी प्लेट की जलेबियाँ आखिर गई कहाँ? ये जरूर उस इंद्र वर्मा ने खाई होंगी। अब क्या होगा महाराज? अब युद्ध होगा, युद्ध। Ha 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 ha!
भीम को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां और कैसे फुर्र हो गए। उस्तादी मंगल सिंह, कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा, तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। जब भी तुम ऐसी बात करते हो, कुछ सही नहीं होता। फिक्र ना करो जग्गू, चलो दोस्तों चलते हैं। क्यों कालिया, इतने में डर गए? अब मैं किसी से नहीं डरता जग्गू। से कोई फरिश्ता ही क्यों ना आ जाए। तैयार, एक दो तीन। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए।
राजा पहलवान, उस दिन मैंने आपकी थाली से जलेबी नहीं खाई थी, बल्कि एक चूहे ने खा ली थी। मैं उस वक्त चुप रहा, नहीं तो दावत में आपके महल में चूहे हैं, ये सुनकर आपकी बहुत बदनामी होती। उम्मीद है कि सच जानने के बाद आप ये युद्ध रोक देंगे, वरना भीम अकेला आपकी सेना को खत्म कर सकता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्र वर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्र वर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।